नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ वीमा प्रसाद। अगले आधे घंटे में हम आपको 150 गांवों की 150 महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। बख्तियारपुर प्रखंड के मोगलपुरा पंचायत के चकदौलत गांव निवासी दिव्यांग पति पत्नी ने प्रखंड विकास अधिकारी को आवेदन देकर आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। दिव्यांग दंपति 2 साल से आवास के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसे आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसके बाद दंपति ने प्रखंड विकास अधिकारी के पास गुहार लगाई है। बख्तियारपुर प्रखंड में स्वामी श्रद्धानंद आश्रम ट्रस्ट ने लोगों के बीच निःशुल्क गीता का वितरण किया और गीता का अध्ययन करके उसे जीवन में उतारने की बात कही है। बख्तियारपुर प्रखंड के मोगलपुरा पंचायत के करौता गांव में मुखिया तालाब उड़ाही के नाम पर मजदूरों की जगह जेसीबी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत विभाग से की है, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है। मोकामा प्रखंड के बरहट पंचायत में 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुखिया पार्षद रामदेव यादव और बीडीओ नीरज कुमार समेत तमाम लोग मौजूद रहे। बाढ़ के अथमल गोला प्रखंड के अनुमंडलीय अस्पताल में 18 महिलाओं का बंध्याकरण कराया गया। कड़ाके की ठंड के बाद ही मरीजों को जमीन पर लेटाया गया। रात भर दर्द से तड़पते मरीजों को कोई देखने वाला नहीं था। पंडाकड़ प्रखंड के दरबे भदौर गांव में मनरेगा योजना के तहत लाखों रुपए के पौधे खरीदे गए, लेकिन देखरेख के अभाव में सारे पौधे सूख रहे हैं। बाढ़ के बेलछी प्रखंड सड़क की मरम्मत और विस्तारीकरण का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस का नवीनीकरण भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सड़क और पुलिया का निर्माण होने पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है। मोकामा प्रखंड के दरियापुर गांव की शमा परवीन ने एशियन कबड्डी प्रतियोगिता में देश को मेडल जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। मुंगेर के खड़गपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन थाना प्रभारी राजेश राय ने किया। टूर्नामेंट में तारापुर ने मुलक टांड को 205 रनों से पराजित कर दिया। मुंगेर के खड़गपुर में राम मंडल की हत्या के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णदेव शाह को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए एससीयूसीआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। सभा के दौरान एसयूसीआई प्रभारी रमन कुमार ने कहा कि पुलिस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए राम मंडल हत्याकांड में बेकसूर लोगों को फंसाकर अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि असली अपराधी खुले में घूम रहा है। मुंगेर के खड़गपुर में श्रीकृष्ण उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। प्रधानाध्यापक ने इसे लेकर थाने में आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंगेर के तारापुर में एक घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मुंगेर के तारापुर के अनुमंडलीय अस्पताल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में टीबी रोगियों को मिलने वाले लाभ की जानकारी दी गई, साथ ही उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी गई। मुंगेर के तारापुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक बैठक हुई, जिसमें नए कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष लाला मोहन गुप्ता ने कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत से लग गई है। प्राणपुर प्रखंड में स्वच्छता दूत कर्मियों की बहाली को लेकर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 216 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। बोधा प्रखंड के रतौरा पंचायत के मदरसा में हंगामे के कारण इंटरव्यू को स्थगित कर दिया गया। अभ्यर्थियों और ग्रामीणों ने मदरसा कमेटी पर पैसे लेकर इंटरव्यू में प्रश्न पूछने का आरोप लगाया है। बारसोई प्रखंड में नुक्कड़ नाटक के जरिए बाल विवाह और दहेज प्रथा को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए बीडीओ ने विशेष अभियान चला रखा है। मनिहारी प्रखंड में जांच के दौरान खनन अधिकारी ने अवैध मिट्टी लदे 3 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान वाहन चालक चालान का कागजात नहीं दिखा पाए, जिसके बाद वाहन को जब्त कर लिया गया है। हसनगंज प्रखंड में सदर विधायक ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत किया 40 नवविवाहितों के बीच 2 लाख के चक का वितरण।
भरारी प्रखंड में मुख्यमंत्री के साथ नशे के तहत कौशल युवा कार्यक्रम का शुभारंभ। बीडीओ रजनी कुमार ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर बीडीओ ने कहा कि कौशल युवा केंद्र के खुल जाने से युवाओं को रोजगार की शिक्षा मिलेगी और वो स्वरोजगार कर सकेंगे। जनखोरा प्रखंड के बैलपुर डुमरिया में आदिवासी विकास परिषद कमेटी की ओर से वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी समुदाय के हजारों लोग शामिल हुए। समारोह में कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए और आदिवासी नृत्य से लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर जिलाधिकारी और विधायक ने आदिवासियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। कदवा प्रखंड में स्वच्छता अभियान को लेकर रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया और लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। चौपाल में ग्रामीणों ने गांव को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। आजमनगर प्रखंड के चंदहर पंचायत में बाढ़ राहत की राशि नहीं मिलने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया और 15 दिन के अंदर राशि नहीं मिलने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। फारबिसगंज के रानीगंज में पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करते हुए शख्स को गिरफ्तार किया। मेडिकल कराने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि उसे सूचना मिली थी कि शराब पीकर एक शख्स हंगामा कर रहा है और राहगीरों को परेशान कर रहा है, जिसके बाद छापा मारकर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। फारबिसगंज के बगुलहा पंचायत में किसान सभा का आयोजन किया गया। इसमें बिना खाद की खेती करने की जानकारी किसानों को दी गई। फारबिसगंज के मछुआ में जेडीयू की महिला मोर्चा ने दहेज प्रथा और बाल विवाह को लेकर लोगों को जागरूक किया। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को दहेज नहीं लेने और बाल विवाह को रोकने की शपथ दिलाई। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में किसानों से धान खरीद की शुरुआत की गई। धान की खरीदारी शुरू होने पर किसानों ने खुशी जाहिर की है। सहरसा के बनमाई टहरी प्रखंड में किशोर गुप्ता को जेडीयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ का प्रखंड अध्यक्ष चुना गया है। किशोर गुप्ता के अध्यक्ष चुने जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी है। सहरसा के सतकटैया प्रखंड के बिसनपुर गांव में एसडीओ और एसडीपीओ ने 22 मल पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कालाबाजारी के लिए रखा सैकड़ों बोरी अनाज बरामद किया गया है। सहरसा के कला भवन में महात्मा ज्योतिबा फुले की 127वीं जयंती के मौके पर जनतांत्रिक पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्त किए जाने को लेकर सहरसा जिले के सोनवर्षा राज प्रखंड के लगमा पंचायत के विभिन्न वार्डों का वीडियो ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बीडीओ ने पाया कि ओडीएफ घोषित होने के बाद भी कई वार्डों में शौचालय का निर्माण अधूरा है, जिसके बाद बीडीओ ने लोगों को जागरूक करने के साथ ही निर्माण कार्य में गति लाने की बात कही। नरसिंहसराय प्रखंड के रेलवे फाटक पर रोजाना जाम से लोग परेशान हैं। जाम के कारण लोगों को खासी परेशानी होती है, लेकिन रेल और पुलिस प्रशासन इसे लेकर चुप्पी साधे बैठी है। नरसिंहसराय प्रखंड के अनुमंडलीय अस्पताल में परिवार नियोजन को लेकर बंध्याकरण कराने पहुंची महिलाओं को चिकित्सक के नहीं आने पर दिनभर इंतजार करना पड़ा। नरसिंहसराय प्रखंड के मध्य विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नरसिंहसराय प्रखंड के बम्बैया हरलाल पंचायत में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना का वीडियो ने शिलान्यास किया। योजना के शुरू होने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। नरसिंहसराय प्रखंड के पगड़ा पंचायत में खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 6 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। समस्तीपुर के सरायरंजन में थानाध्यक्ष के निलंबन का लोगों ने विरोध किया और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने थानाध्यक्ष के निलंबन की वापसी की मांग की। आपको बता दें कि 27 नवंबर को शराब कारोबारी से मुठभेड़ के दौरान एक जवान की मौत हो गई थी और थानाध्यक्ष घायल हो गए थे, जिसके बाद मामले की जांच की गई और थानाध्यक्ष को काम में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया था। समस्तीपुर के पूसा प्रखंड को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है, जिस पर ग्रामीणों में खुशी है। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र में एक ऑटो पेड़ से टकरा गई, जिससे ऑटो ड्राइवर उसमें बुरी तरह फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद ऑटो ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाला गया। पूर्णिया के बनमनखी में अनाज लदा एक ट्रैक्टर ट्रेन से टकरा गया। ट्रेन से टक्कर के बाद ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए, हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
पूर्णिया के कस्बा प्रखंड में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर एक अर्धनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र से 35 पाउच शराब बरामद किया है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूर्णिया के रुपौली प्रखंड थाना क्षेत्र के साहनी टोला मोड़ के पास स्कॉर्पियो और टाटा 407 में भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद दोनों चालक मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है और ड्राइवरों की तलाशी शुरू कर दी है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड में दो अलग अलग मामलों में महीने से फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। बांका के बेलहर प्रखंड के खेसर से गिरफ्तार 8 शराबियों को कोर्ट ने सजा सुनाते हुए 5 साल की सजा, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बांका जिले के बेलहर प्रखंड में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मैच का आयोजन स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए किया गया। बांका जिले के फुली डूमर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने भीतिया पंचायत के कठहाड़ गांव में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के संवेदों को सजा देने के लिए पोस्टर चिपकाया है। इसके साथ ही नक्सलियों ने पुलिस मुखबिर को भी जन अदालत में सजा देने का ऐलान किया है, जिससे लोगों में दहशत है। छौड़ा दानो प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख राम इकबाल यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मनरेगा योजना के बजट के बारे में सदन को बताया गया। बैठक में बाल और बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी चर्चा की गई। वीडियो ने सभी सदस्यों से बाल विवाह और दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए प्रचार प्रसार करने की भी अपील की है। रामगढ़वा प्रखंड में सीपीआई के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। सीपीआई नेताओं का आरोप था कि राशन कार्ड में नाम जोड़ने में आरटीपीएस के कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं और वीडियो भी कर्मचारियों से मिले हुए हैं। तुरकौलिया प्रखंड खुले में शौच को लेकर जिलाधिकारी ने जागरूकता अभियान चलाया और लोगों से खुले में शौच नहीं करने की अपील की। जिलाधिकारी ने बच्चों को भी स्वच्छता का पाठ पढ़ाने का निर्देश दिया। सुगौली प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसमें इंदिरा आवास योजना को लेकर चर्चा की गई। बैठक का मुखिया संघ ने बहिष्कार किया। मुखिया ने कहा कि जब तक बिहार सरकार अपने नीति में सुधार नहीं करेगी, तब तक मुखिया पंचायत समिति की बैठक का बहिष्कार करते रहेंगे। तेतरिया प्रखंड में 9 सूत्री मांगों को लेकर रसोईया संघ ने प्रदर्शन किया और केंद्र राज्य के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। रक्सौल प्रखंड में राजराम शाह कॉलेज के संस्थापक रामचंद्र गुप्ता की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया और सैकड़ों मरीजों के स्वास्थ्य की जांच हुई। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के बरियारपुर में ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। मुजफ्फरपुर के ढोली में श्रमिकों ने 26 दिन के बदले 18 दिन काम देने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर के बांद्रा प्रखंड के पियर थाना में चोरों ने 2 घरों में लाखों रुपए की संपत्ति चुरा ली। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर के कोटनी प्रखंड के लदौर पंचायत में क्रिकेट खेलने के दौरान 2 बच्चों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 1 बच्चे की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में 2 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भागलपुर के नौगछिया में ट्रिपल मर्डर के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर बीजेपी विधायक शैलेंद्र कुमार धरने पर बैठ गए। विधायक का कहना है कि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भागलपुर नौगछिया में नवविवाहिता की हत्या मामले में पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। 3 दिन पहले महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। भागलपुर के सुल्तानगंज में एक नवविवाहिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए घर से निकाल देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इसे लेकर पुलिस में केस भी दर्ज करा दिया है। घोघरडीहा के जगतपुर में मीडिया कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन रमेश सिंह ने किया। हर लाखी में पंचायत समिति की एक बैठक हुई, जिसमें फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई का फैसला किया गया। उमगांव में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल ने किया। मधुबनी स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया।
राजनगर में एलएस मेमोरियल अस्पताल की आधारशिला रखी गई। अस्पताल का निर्माण हो जाने के बाद मरीजों को इलाज के लिए काफी सहूलियत। केवटी प्रखंड में इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास कार्यालय पर दिन भर ताला लटकता रहता है, जिससे लाभार्थियों को खासी परेशानी होती है। केवटी प्रखंड के शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं आते हैं और आने के बाद भी बच्चों को पढ़ाने की जहमत नहीं उठाते हैं। केवटी प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका अपनी मांगों को लेकर दो दिन के सामूहिक अवकाश पर चली गई है। केवटी प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख और बीडीओ ने की। बैठक में ग्राम सभा और आम सभा से पारित विकास कार्य को लेकर चर्चा हुई। मिरौल प्रखंड में लोक शिकायत निवारण अधिकारी ने 19 भूमिहीन महादलित परिवारों को 3 दशमलव जमीन के वासीगत पर्चा का वितरण किया। मिरौल प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक स्थगित कर दी गई, अगले सप्ताह फिर से बैठक का आयोजन किया गया है। केवटी प्रखंड में आभूषण की दुकान में हुई चोरी के 5 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई जगह छापेमारी की, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है। जाले प्रखंड में पेड़ों की धड़ल्ले से अवैध कटाई हो रही है, लेकिन वन विभाग और प्रशासन इसे लेकर मौन बना हुआ है। सदर प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि नहीं मिलने को लेकर जनप्रतिनिधियों ने सीओ से नाराजगी जताई। नवादा के कौवा कोल के इट पकवा में डायरिया से हो रही मौतों को लेकर ग्रामीणों को गुस्सा भड़क गया। स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। पूर्णिया में धमदाहा के हथिया दीरा गांव में ग्रामीणों ने जाम लगा दिया, जिसके कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोगों को खासी परेशानी हुई। छपरा के मशरक में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित महुआ शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी की। छपरा में डंपर की चपेट में आने पर शिक्षक घायल हो गया, हादसे में शिक्षक का एक पैर भी कट चुका है। आरा के कोइलवर में प्रशासन ने जाम से निजात पाने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और कई दुकानों को सड़क के किनारे से हटवाया भी। हाजीपुर के दामचौर में जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा की पीट पीट कर हत्या कर दी। परिजनों के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू। वैशाली में महात्मा गांधी सेतु के टोल प्लाजा के पास एक कार डिवाइडर से टकराई, जिससे कार सवार 2 लोग जख्मी हो गए। बेतिया के लौरिया प्रखंड में एक मजदूर ने अपने 6 महीने के मासूम बच्चे को 70,000 रुपये में बेच डाला। बताया जा रहा है कि मजदूर के पास इलाज के लिए पैसा नहीं था, जिसके कारण उसने बच्चे को ही बेच दिया। समस्तीपुर के घोष लेन में आग की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी। मगा के धना थाना क्षेत्र के तमकोहुवा में चलती बाइक में अचानक आग लगी। हादसे में बाइक सवार की जान तो बच गई, लेकिन आग से उसका पैर झुलसा। सिवान में गुटनी थाना क्षेत्र के कल्याणी गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई। मधेपुरा के चौसा थाना क्षेत्र के पुलिस ने एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। कारोबारी के पास से 25 पाउच शराब की बरामदगी। औरंगाबाद जिले के बारून में पुलिस ने मधुपुर गांव में वाहन चेकिंग के अभियान के दौरान एक पिकअप वैन पर लदे 1100 लीटर स्पीड जब्त किया। पुलिस ने बताया कि उसे सूचना मिली थी कि शराब निर्माण के लिए स्पीड ले जाई जा रही है। दरभंगा में जीआरपी ने सैकड़ों लीटर जब्त शराब को नष्ट कर दिया। इस मौके पर जीआरपी के अधिकारी और सीओ मौजूद थे। नारायणपुर बाजार के सामने एक ऑटो पलटने से एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। नाला प्रखंड के बड़ा दामपुर पंचायत सचिवालय में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बैठक की गई। नारायणपुर प्रखंड के बांडी कोह गांव के सबीरन बीवी नाम की एक महिला गंभीर बीमारी से पीड़ित है, लेकिन पैसे के अभाव में उसका इलाज नहीं हो रहा। नाला प्रखंड के बड़ा दामपुर पंचायत भवन में शिविर लगाकर गरीब लोगों के बीच विधायक रविंद्र महतो ने कंबल का वितरण किया।
नारायणपुर प्रखंड के धर्मपुर की रहने वाली सावित्री राय 7 साल बाद अपने घर वापस आई है। 7 साल पहले वो घर से लापता हो गई। डंडई में दानुरू जलाशय योजना का जीर्णोद्धार और नहरों के पक्कीकरण का विधायकों ने शिलान्यास किया। रमना में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सिलाई और कंप्यूटर के प्रशिक्षण के लिए युवाओं ने नामांकन किया। मेरान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम यादव साहू का निधन हो गया। 83 साल के राम यादव की तबीयत कई दिनों से खराब थी। मेरान में व्यापारियों ने एक सभा का आयोजन किया जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। मछियाओ प्रखंड में नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया गया। मछियाओं में समय पर विद्यालय नहीं खुलता है जिसके कारण शिक्षक बच्चों को विद्यालय के बाहर मैदान में ही प्रार्थना कराते हैं। बड़गढ़ के सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने के एवज में मरीजों से पैसा लेने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद बीडीओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। भवनाथपुर में 20 सूत्रीय अध्यक्ष ब्रजेश सिंह ने गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में राज्य विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है। ब्रजेश सिंह ने कहा कि देश और राज्य में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। भवनाथपुर प्रखंड के अरसली उत्तरी झुमरी टोला निवासी पूजा कुमारी को कैशपार माइक्रो क्रेडिट कंपनी ने मेधावी छात्रा का पुरस्कार दिया। टहरी प्रखंड में बिंचपुर में सीआरपीएफ ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया। सदर प्रखंड के पतरा टोली में सीआईएसएफ के एएसआई आनंद राम के घर चोरी के मामले का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और चोरों की तलाश में जुट चुकी है। भंडरा प्रखंड के भैरों में मुखिया के खिलाफ वार्ड कमिश्नर ने मोर्चा खोल दिया है। भंडरा प्रखंड के छोटा अंबेरा गांव में आजीविका महिला ग्राम संगठन की एक बैठक आयोजित की गई। सेन्हा प्रखंड के नौवी गांव में जीत राम शाहू की दिव्यांगता को देखते हुए डीसी ने महज आधे घंटे में उसे ट्राई साइकिल मुहैया कराई। डीसी ने जब जीत राम की हालत देखी तो तत्काल जिला कल्याण समाज अधिकारी को ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सेन्हा प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के पूतो गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बच्चों के बीच प्रखंड प्रमुख और मुखिया ने पोशाक का वितरण किया। कोडरमा के जयनगर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वीडियो अमित कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वीडियो को स्वास्थ्य केंद्र में कई खामियां नजर आई। कोडरमा के जयनगर प्रखंड में भाकपा माले की ओर से एक दिवसीय धरना का आयोजन हुआ। धरने के बाद माले नेताओं ने प्रखंड विकास अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा और जल्द से जल्द समस्याओं के निपटारे का आदेश दिया। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के जमू खाड़ी में एक लॉरी के नीचे दब जाने से मैकेनिक की मौत हो गई। कोडरमा के जयनगर प्रखंड में पोषण सखी को कुपोषित बच्चों की जानकारी और उससे जुड़े प्रशिक्षण दिए गए। प्रशिक्षक माधुरी कुमार ने कहा कि जिन कुपोषित बच्चों की हालत में सुधार नहीं हो रहा उन्हें जल्द से जल्द कुपोषण उपचार केंद्र में लाया जाए। सरेडीह में बाराती पक्ष और सराती पक्ष में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दूल्हा घायल हो गया जिससे नाराज लड़के वाले बिना शादी के वापस लौटे। हुसैनाबाद के किसान भवन में बीडीसी की बैठक जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। हैदरनगर में एसबीआई के कर्मचारियों के मनमाने रवैये के खिलाफ सभी ग्राहक सेवा केंद्र हड़ताल पर चले गए। मनातु प्रखंड के दंगिया पंचायत का मुखिया रामचंद्र भैया ने उद्घाटन किया। देवघर के पालाचोरी प्रखंड का डीसी ने दौरा किया और धान की कटाई में किसानों को हो रही परेशानी की जानकारी दी। डीसी ने पैक्स अध्यक्ष और बीडीओ को किसानों का धान गोदाम तक पहुंचाने के लिए साधन मुहैया कराने की बात कही। देवघर के सारठ में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जुलूस निकालने को लेकर शांति समिति की बैठक। देवघर के पालाजोरी में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। देवघर के मधुपुर में श्रम मंत्री श्रीराज पलिवार को आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी कर दिया गया है।
धनबाद में रंजय हत्याकांड मामले में पुलिस ने हर्ष सिंह को पास से गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला के आदित्यपुर विवे अंडरग्राउंड के पास अजगर निकलने के बाद लोगों में अफरातफरी का माहौल। सरायकेला के आदित्यपुर में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते नगर निगम की कार्यवाही पर सवाल। आपको बता दें कि 9 महीने के बकाया भुगतान की मांग को लेकर पेयजल कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सिमडेगा जिले के बानो थाना क्षेत्र में 28 नवंबर को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मधुसूदन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। बोकारो के सेक्टर 6 के साईं मंदिर में चोर ने हाथ साफ कर दिया। चोर ने एक सोने के मुकुट के साथ चांदी के 6 मुकुट और लाखों रुपए के गहने चोरी कर दिए। लातेहार के बरवाडीह में शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते 150 दिव्यांग छात्र खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाए। दरअसल बीते दिनों इन दिव्यांगों की प्रतिभा को निखारने के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पाकुड़ सदर प्रखंड के इलामी पंचायत की मुखिया नस्तिका ने अपने पंचायत के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया।